मुरादाबाद के लिए अखिलेश यादव का स्पेशल प्लान। दिसंबर में अखिलेश यादव करने वाले हैं बड़ा ऐलान। विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों की बढ़ी धड़कने। मुरादाबाद मंडल में सपा के दूत हो गए हैं सक्रिय। 7 दिसंबर से 5 दिन तक टटोली जाएगी उम्मीदवारों की नब्ज। फिर आलाकमान को मिलेगी रिपोर्ट और होगा ऐलान। संभावितों की टिकट के लिए पैठ बनाने की कोशिशें तेज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दिसंबर महीने से काफी ज्यादा सक्रिय होने वाली है और पार्टी की तरफ से बड़े ऐलान करने का भी प्लान बनाया गया है, जिसकी शुरुआत मुरादाबाद मंडल से होगी। मुरादाबाद को सपा का गढ़ कहा जाता है और सपा अपने गढ़ को फिर से फतेह करने के लिए स्पेशल प्लान के साथ अब दिसंबर में सियासी समर में सिपाहियों को उतारने का आगाज करने वाली है। अखिलेश यादव की कोशिश जहां संभावितों की नब्ज को टटोलने की है, तो वहीं संभावितों में से किसे टिकट दिया जाए इसका भी सर्वे करवाने के लिए अपने सिपाहियों को मैदान में उतार दिया है। दरअसल सपा के गढ़ कहे जाने वाले मुरादाबाद मंडल में संगठन की स्थिति को परखने के लिए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दूत 7 दिसंबर को आ रहे हैं। वो 5 दिन मंडल के 3 जिलों में रहकर संगठन की समीक्षा करने के साथ में सपा के संभावित प्रत्याशियों की तैयारी देखेंगे। इसके बाद यहां की स्थिति से पार्टी हाईकमान को सूचित करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी दलों के नेता वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। संगठन की मजबूती को लेकर भी राजनीतिक पार्टियां बहुत चिंता में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुरादाबाद मंडल के संगठन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और युवजन सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव को भेजने का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के चक्कर की मिलक स्थित जिला कार्यालय पर एक जरूरी बैठक भी बुलाई गई, जिसमें जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और विकास यादव 7 दिसंबर को मुरादाबाद पहुंच जाएंगे। वो 11 दिसंबर तक संगठन की समीक्षा करेंगे, इसलिए सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष अपने संगठनों को दुरुस्त कर लें। उन्होंने कार्यक्रम के लिए भी सभी को जिम्मेदारियां बांट दी हैं। विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सभी को निर्देशित किया गया है कि अपनी अपनी कमेटी बनाकर जल्द से जल्द जिला कार्यालय में जमा करें। मुरादाबाद में बड़ी सक्रियता से सपा की सरगर्मियां तो तेज हैं ही, साथ ही जो लोग खुद को संभावित उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि जो भी सर्वे करने आ रहा है उसके सामने अपनी ऐसी ताकत का इजहार किया जाए कि टिकट पक्का हो जाए। और इसके लिए संभावितों की तरफ से लगातार पैठ बनाने और आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सिफारिशों का दौर चल रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले पदाधिकारी किसके बारे में क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।